नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे हॉट एंड स्पाइसी पनीर कोल्हापुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक पैन गरम कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा जायफल, 6 से 7 लौंग, 2 इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज़पत्ते और 1 फूल चक्री दे देंगे। अब इन सारे चीज़ों को मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। अब इसमें 10-12 काजू, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 2 चम्मच पोस्तदाना, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 3 से 4 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे। अब इन सारे चीज़ों को भी मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस मसाले से मुझे 4 से 5 चम्मच चाहिए होगा और बाकी मैं एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी। इस 4 से 5 चम्मच मसाले में मैं थोड़ा सा पानी देके एक फाइन पेस्ट बना लूँगी इस तरह से। अब हम 50 ग्राम पनीर में थोड़ा सा दूध देके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए एकदम क्रीमी सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने पर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा तड़क जाए अब इसमें 4 मीडियम साइज प्याज को हमने फाइनली चॉप करके रखा था उसे डाल देंगे। अब इसमें 7 से 8 क्रश किया हुआ लहसुन और क्रश किया हुआ 1/2 इंच अदरक डाल देंगे। अब प्याज हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको भुनेंगे। प्याज हल्का नरम हो जाने पर इसमें 3 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे और 3 बड़े साइज टमाटर को हमने फाइनली चॉप करके रखा था उसे डाल देंगे। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। अब इसमें हम हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब टमाटर को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से नरम होने तक भुनेंगे। टमाटर नरम पड़ चुका है। अब इसमें जो मसाला का पेस्ट हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे। जार को धो के थोड़ा सा पानी दे देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मसाला को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे जब तक इसका तेल अलग ना हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसका तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम जो पनीर का पेस्ट हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे। जार को धो के थोड़ा सा पानी दे देंगे। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। अब इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, क्यूब्स में कटी हुई 1 टमाटर और बड़े टुकड़ों में क्यूब्स में कटे हुए पनीर डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। एक चम्मच चीनी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने सुंदर कलर आया है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच घर की फ्रेश मलाई को अच्छे से फेंट कर इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर और 1-2 मिनट हम पका लेंगे। ये लीजिए हमारा हॉट एंड स्पाइसी पनीर कोल्हापुरी रेडी है। रोटी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।